टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय अमर सिंह राठौर की स्मृति में आयोजित होने वाली 38वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 18 जनवरी से शुभारंभ हुआ है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने किया। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ पर स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश की ख्याति प्राप्त वॉलीबॉल की 11 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दिगोदा को शीघ्र ही पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाएगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता वैसे नहीं है जैसे कुछ लोग अच्छे दिन का नारा दिए थे फिर बोले गले की हड्डी बन गई। वैसी नहीं हमारी पार्टी, हमारी सरकार ऐसे नहीं है कि 15 लाख रुपए आपको देंगे और खाता फिर खुलवा लिए सबका, घर का भी जमा करा लिया, पता ही नहीं। GST नोटबंदी में सबको तोड़ दिया, छोटे छोटे व्यापारी टूट गए, ग्राम पंचायतों के विकास काम भी अवरुद्ध हो गए। तो ऐसी हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये जो सरकार बनी है ये सरकार हमारे प्रदेश की जनता की सरकार बनी है, किसानों की सरकार बनी है, नौजवानों की सरकार बनी है, माता बहनों की सरकार बनी है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर TV न्यूज़।